भाजपा केवल कर्नाटक में ही हारी है, पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगा है और ये 2024 के पूर्व कोई शुभ संकेत नहीं है, परंतु ये इन्हीं की कर्मों की देन है और अगर ये अब भी नहीं चेते तो 2018 की कुटाई पुनः दोहराई जा सकती है। नमस्कार मित्रों, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे अपने मूल आदर्शों से समझौता करने का ही परिणाम भाजपा ने कर्नाटक में भुगता है और क्यों अब भी समय है कि वे सतर्क हो जाए। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनावों में भाजपा को अप्रत्याशित पराजय का सामना करना पड़ा है। 224 सीटों में से भाजपा को कुछ 66 सीटें ही मिली। ये 2004 के बाद से भाजपा का कर्नाटक में सबसे न्यूनतम प्रदर्शन में से एक है। अब इस पीछे सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा है, एक जिन्हें लगता है कि भाजपा ने हिंदुत्व तो त्याग दिया है और सबका साथ सबका विश्वास के कारण इनको मुंह की खानी पड़ी है, दूसरे वे हैं जिनको लगता है कि भाजपा ने गलती नहीं की, गलती तो हिंदुओं की है जिन्होंने अपने मुफ्त खोरी के पीछे अपने राज्य को अवसरवादियों के हवाले कर दिया। परंतु सत्य कहीं बीच में अटका है जिसका अन्वेषण बहुत आवश्यक है। यह वही भाजपा है जिसने कर्नाटका में मंदिरों के प्रशासन को पुनः पुजारियों के हाथ में देने का निर्णय किया, परंतु यह वही भाजपा है जिसने प्रवीण नेटारू समेत कई हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधे रखी और उनके लिए आवाज उठाने वालों पर ही लाठियां बरसाई। जब तटीय कर्नाटक में भी बहुमत सिद्ध करने के लिए भाजपा को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े तो स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, TFI पर प्रतिबंध लगाया, परंतु काम आधा अधूरा क्यों छोड़ा? संपूर्ण प्रतिबंध सारे धड़ों पर क्यों नहीं लगाया? अब बात जब हिंदुओं के अधिकारों से समझौता की हुई है तो जरा नुपुर शर्मा की भी बात कर ले। कुछ लोगों की माने तो नुपुर शर्मा को खतरे में डालने के पीछे भी कई लोग रुष्ट हुए हैं। अब इस बात पर तो काफी वाद विवाद चलता है, परंतु इसे तो नहीं नकारा जा सकता कि संयमित निर्णय लेने के चक्कर में भाजपा ने यहां अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नुपुर शर्मा को निलंबित कर भाजपा ने बहुत गलत संदेश भेजा। उन्होंने किसी संप्रदाय के नरसंहार की तो बात नहीं की, ना ही किसी स्वघोषित फैक्ट चेकर की भांति जघन्य अपराधों का बचाव किया। उन्होंने केवल एक कट्टरपंथी से वाद विवाद करने की भूल की जिसके पीछे आज वह अपने घर से स्वच्छंद होके भी नहीं निकल पा रही है। जब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर सकते तो बाकी जनता में कैसे विश्वास बढ़ेगा? बात नुपुर शर्मा की उठी है तो तनिक भाजपा के हिंदुत्व पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। इस समय केंद्रीय नेतृत्व तो बगले झांकती दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए त्रिपुरा को ही देख लीजिए, जिस बिप्लव कुमार देव ने कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और त्रिपुरा को एक सशक्त गढ़ में विकसित किया तो उन्हें अचानक से स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं TV पर आकर कहे कि भगवा और भाजपा एक नहीं है तो आप और क्या ही आशा कर पाओगे? तो क्या कोई उपाय नहीं है? देखो भाई, जिनको ऐसा लगता है और जो ये मानते हैं कि कांग्रेस की भांति मुफ्त खोरी पे उतारा है, उन्हें तनिक यूपी और उत्तराखंड की ओर भी देखना चाहिए। उत्तराखंड तो कर्नाटक की भांति कांग्रेस की राह देखने लगा था, परंतु अचानक से पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभाली और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हिंदू हित वाले निर्णय लिए। स्थिति यहां तक हो गई कि भारत विरोधी तत्वों को सुप्रीम कोर्ट में शरण लेनी पड़ी। और यहां हल्द्वानी वाले मामले की बात चल रही है। जब उत्तराखंड की जनता ये कर सकती है, उत्तर प्रदेश हिंदुत्व और विकास के अनोखे कॉम्बो पर आगे बढ़ सकता है, तो फिर बाकी का भारत क्यों नहीं? क्या रोक रहा है भाजपा को?